ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको पता लगने वाले हैं कि आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक कैसे ओपन कर सकते हो, उसी के साथ आप अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो ना, तो पेटीएम केवाईसी एंड पेटीएम पेमेंट बैंक रिलेटेड जितना भी डाउट है अपने माइंड पर सब क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगने वाले है जो शायद आपको नहीं पता है। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया या फिर अपना पेमेंट बैंक ओपन नहीं किए हो, और जिन लोगों की अभी तक पेमेंट बैंक ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनका भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाली हूँ कि कैसे आप सक्सेसफुली अपना पेमेंट बैंक ओपन कर सकती हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यारो, जैसे कि आपको पता होंगे कि 31 दिसंबर 2018 से पेटीएम की मिनी केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, और इसका सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो और सबसे पहले अपडेट भी होना चाहती हो, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। तो जल्दी से जाके सबसे पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ पेटीएम मिनी केवाईसी प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी होगी, कितना वक्त लगेगी, और इसका क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, सब आपको पता लगने वाले हैं। और उसी के साथ केवाईसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स एंड पेटीएम पेमेंट बैंक कैसे ओपन कर सकते हो वो भी आपको पता लगने वाले हैं। तो उस वीडियो को पूरा इन तक देखो, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। तो अगर आपको जान रहे हो तो डिटेल्स में जानना ही बेहतर होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। तो मिनी केवाईसी करने के लिए आप सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करो, देन वॉलेट ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड नरेगा जॉब कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एंटर करके आई कन्फर्म पे क्लिक कर दो, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो आपकी जो मिनी केवाईसी प्रोसेस है इंस्टेंटली कम्प्लीट हो जाएंगे। और उसी के साथ इंस्टेंटली आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे अकाउंट वेरीफाइड, एंड अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे तो पेटीएम की तरफ से आपको 200 रुपीस का कैशबैक भी मिलेंगे। तो कैसे आपको 200 रुपीस का कैशबैक मिलेंगे और कैसे आप अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे, अभी मैं वही बात आपको बताने वाली हूँ। सो थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस चीज़ को, तो आप में से काफ़ी यूजर्स को माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकती है, मेरे पास तो एक मिनी केवाईसी आईडी है और जिसमें मैं कैशबैक रिसीव कर सकती हूँ, तो केवाईसी अपग्रेड करने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मिनी केवाईसी आईडी की वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर्स तक है, लेकिन अगर आप केवाईसी आईडी कर लोगे तो इसका जो वैलिडिटी है वो मल्टीपल ईयर्स तक हो जाएंगे। और मिनी केवाईसी आईडी में सिर्फ आप पैसे रिसीव ही कर सकते हो, लेकिन किसी को पैसे सेंड नहीं कर सकते हो, अपने दोस्त जो कि पेटीएम यूज़र है उसको भी वैसे नहीं सेंड कर सकते हो। ये जो P2P ऑफर होते हैं जिससे आप पैसे सेंड करके भी 5, 10, 50 रुपीस तक की कैशबैक अर्न करते हो, उसका भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगे। और मिनी केवाईसी आईडी की जो वॉलेट लिमिट होती है बस 10,000 रुपीस तक की है, लेकिन जो केवाईसी आईडी की वॉलेट लिमिट है वो 1 लाख रुपीस तक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। और कुछ ऐसे ऑफर होते हैं सिर्फ और सिर्फ केवाईसी आईडी में ही आप यूज़ कर पाओगे, जो कि मिनी केवाईसी आईडी में आप उस लूट ऑफर को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इतना सारा डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है लेकिन बहुत ही कम है। तो अगर आप केवाईसी में अपग्रेड करोगे तो सारे एडवांटेज आपको केवाईसी आईडी में मिल जाएंगे। इवन आप केवाईसी अकाउंट रहने की सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक को एक्सेस कर पाओगे, और उसी के साथ आपको एक फ्री में डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसको आप ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ कर पाओगे। अभी बात कर लेते हैं कि पेटीएम केवाईसी आप कैसे कर सकते हो। यारो देखो, YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आपको ये बताया जाते हैं कि आप अपना फुल केवाईसी घर बैठे ही 2 मिनट में कंप्लीट करो, लेकिन वो सच बिल्कुल नहीं है। उन सारे वीडियो पर नहीं आपको प्रोसेस बताया जाते हैं और नहीं सच्चाई, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देख रही हो तो आपको अभी सच चीज़ के बारे में पता लगने वाले हैं।
देखो मैं आपको मीठी झूठ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कड़वा सच जरूर बता सकती हूँ। हो सकती है सच आपको पसंद ना आए, लेकिन सच तो सच होती है और इस वीडियो से ही आपको पता लगने वाले हैं। चाहे आप इस वीडियो को डिसलाइक क्यों ना करो, लेकिन मैं तो आपको सच बता के रहूंगी और मैं चाहती हूँ मेरा जितना भी यूजर्स है उन तक सच जरूर पहुँचे। यही मेरा फर्ज है और यही मैं अभी कर रही हूँ। तो इस वीडियो में डिसलाइक और लाइक के रेशियो देखने की बात ही मुझे पता चलेंगे कितना लोग मीठी झूठ पसंद करती है और कितना लोग कड़वाई सच्चाई को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सी स्टेप फॉलो करनी होगी, चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ। नंबर वन, KYC कंप्लीट करने के लिए आपको नियरेस्ट KYC पॉइंट विजिट करनी होगी। आप घर बैठे फुल KYC कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सेकेंड में, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ उन चारों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको अपना KYC सेंटर पे ले जाना होगा। नंबर वन वोटर ID, सेकेंड ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड पासपोर्ट एंड फोर्थ नरेगा जॉब कार्ड। मिनी KYC करते वक्त आप पैन कार्ड को सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप KYC कंप्लीट करने जा रहे हो तो उस वक्त पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करनी होगी, समझ गए। और अगर आप पेटीएम की पेमेंट बैंक ओपन करना चाहती हो तो इस बार पैन कार्ड मैंडेटरी है। मतलब कि KYC कंप्लीट करने के लिए पैन कार्ड आप सबमिट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेमेंट बैंक ओपन करना चाहती हो तो उस केस में आपको पैन कार्ड सबमिट करनी होगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेंगे कि आपके आसपास कहाँ पर जो है KYC सेंटर मिलेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं सोल्यूशन दे दूंगी। ये जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नियरेस्ट KYC पॉइंट। तो यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं मेरा जो स्टेट है वेस्ट बंगाल उसको चूज कर लेती हूँ। और सेकेंड में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं बर्धमान चूज कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जितना भी KYC पॉइंट है नियरेस्ट तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो। और उसी के साथ इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मेंशन है, तो आप कॉल करके भी पूछ के जा सकते हो कि कौन सी टाइम उनका आउटलेट जो ओपन रहेगा, तो आप कॉल करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पर उनका जो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट है उनको सिलेक्ट करके आपकी नियरेस्ट KYC पॉइंट की पता कर सकते हो। तो जब भी आप KYC पॉइंट विजिट करने जाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी होगी, और जिसका भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसको अपना साथ ले जाना होगा, अदरवाइज आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी। और इस बार आधार कार्ड से कोई काम नहीं है, तो आधार कार्ड को आप गलती से भी मत ले जाना, ओके। तो जो भी चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाना, ओके। तो जब आप KYC पॉइंट पे जाओगे तो उस वक्त आपको एक फॉर्म फिलअप करनी होगी। फॉर्म कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लिंक मोबाइल नंबर सबमिट करनी होगी, और उसके साथ आपकी जो लिंक ईमेल आईडी है उसको एंटर करनी होगी। उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स जो है, नेम, जेंडर, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो उसको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। यहाँ पर एक चीज़, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे प्रूफ सबमिट कर रहे हो, तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली की जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो मैं इन्फॉर्म कर दिया आपको। अगर हो सके उसके बदले में और दूसरा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा आपको। यहाँ पर एक चीज़, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को सबमिट करके अपना KYC कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में कहीं पर भी मेंशन ए है कि ये प्रूफ एड्रेस के लिए वैलिड नहीं होगा, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को सबमिट करके आप अपना KYC कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, पिन कोड वगैरह, और यहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स जो है बहुत ही क्लियर है, और प्लेस यहाँ पर मेंशन करनी होगी, और यहाँ पर डेट और आपकी जो सिग्नेचर है ये सारे डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। और लास्ट की जो ऑप्शन है इसको आप एम्प्टी रखिए, ये जो एजेंट है वो कंप्लीट करेगी, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो जो एजेंट है उससे पूछ लेना, आपको हेल्प मिल जाएंगे। और इसके बैक साइड में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी कुछ भी लिखा है। फॉर्म इस टाइप के आपको फिलअप करके सबसे पहले एजेंट को देना होगा, फिर एजेंट के पास एक एप्लीकेशन होती है पेटीएम का ATM एप्लीकेशन, जिसके थ्रू वो यूजर्स की KYC कंप्लीट करते हैं। वो मेरी जैसे नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ पेटीएम के जो BO या फिर BC एजेंट है वही उस एप्लीकेशन को यूज़ कर
कर सकते हैं और कस्टमर की जो KYC प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एजेंट सबसे पहले आपसे आपका रजिस्टर नंबर लेगा, उसके बाद आपके रजिस्टर नंबर से 01204455555 इस नंबर पे कॉल करनी होगी। उसके बाद आपको वॉलेट अपडेट या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। फिर जाके आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, उसका फोटोग्राफ लेना होगा और जिसका भी डिटेल्स आप सबमिट कर रहे हो उसके बाद उसका एक फ़ोटो लेना होगा और जो भी उसका रिलेटेड डिटेल्स होगा, जो एडिशनल एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ फिलअप कर देंगे एजेंट आपसे पूछने के बाद। फिर जाके मैं आपके उस रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएंगे, उसको सबमिट करने के बाद आपकी जो KYC है वो सबमिट हो जाएंगे। उसकी जो सारी डिटेल सबमिट होने के बाद 6 से 7 दिन लगेगी आपकी KYC कंप्लीट होने पर। यहाँ पर इंस्टेंटली नहीं होती पिछले टाइम्स की तरफ, आपको 6 से 7 दिन वेट करनी होगी और उसी के अंदर हो जाएंगे। और जिस दिन आपकी KYC कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक भी ओपन कर सकते हो। KYC अपडेट होने के बाद 24 आवर्स के अंदर ही आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक भी ओपन हो जाएगी और जिसको आप एक्सेस कर पाओगे। पेटीएम KYC कंप्लीट करने के बाद भी जिनका पेमेंट बैंक ओपन नहीं हो रही उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठे ही OTP वेरीफाई के साथ अपना KYC कंप्लीट किए थे तो उस केस में आपकी पेमेंट बैंक आप ओपन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको KYC पॉइंट विजिट करनी होगी और इस बार आपको पैन कार्ड ज़रूर सबमिट करनी होगी। और अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ ही KYC कंप्लीट किए थे फिर भी आपकी पेमेंट बैंक नहीं हो रही है तो आप एक बार KYC सेंटर विजिट करो, उसके बाद ही आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इजीली आप अपना पेटीएम बैंक ओपन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको पेटीएम KYC एंड पेटीएम पेमेंट बैंक के रिलेटेड बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और अगर आपको लगती है इस वीडियो को शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट करने आए हो तो सब्सक्राइब करो या ना करो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर छोड़ दो। और अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत खुश हो, थैंक यू सो मच इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए।